हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लेवर माइंड चैनल एंड हियर वी गो। यू कैन सी माय बाइक कैसी लग रही है। इसमें टायर में ये व्हील कवर इंस्टॉल की है जस्ट, और इसकी लुक इन्हेंस हो रही है, थोड़ी मैंने स्टिकरिंग की है। वॉच स्टिकरिंग मैंने इधर भी की है, ये हो गया, ये हो गया। गाइस मेरी बाइक अभी तक चल पड़ी और इसकी हैंडलिंग भी मस्त है, और इसका ये मीटर क्लस्टर ये भी ठीक है। और बाकी भाई लॉन्ग राइड में ज़्यादा चलाने वाले राइडर को कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी बिल इनको हल्का फुल्का हो सकता है डिस्कम्फर्ट। और बाकी भाई एग्जॉस्ट की साउंड इसकी हाईवे में ठीक रहती है, रैप करो तो मस्त निकलती है साउंड, इसकी साउंड ज़्यादा बेसी नहीं है। खूबियों में भाई इसका ये टायर 126 का ये टायर है, और स्टाइलिश बड़का कवर भाई आपको ईवीएस मिल रहा है इसमें, और क्या चाहिए। फॉक्स ये देख सकते हो, उसमें आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे और इसकी विजिबिलिटी तो लोड होगी नहीं आपको आई डी यही बहुत है। उसके डी आर एल तीन आपको इसकी भाई आपको मैं बताऊंगा, फर्स्ट है ये थोड़े थोड़े पैनल गैप्स या आप इग्नोर कर सकते हो तो कर दो। सेकंड इसकी सीट आती है छोटी, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो तो कर दो। और मेनली है भाई इसकी ये सिफ्टिंग थोड़ी हार्ड है इंजन की, एंड मेरे बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से इसकी ऑयल सील लीक हो रही है, देख सकते हैं आप यहाँ से हल्का हल्का ऑयल लीकेज का इशू आ रहा है। इसको हम कराएंगे अब सेकंड सर्विस में। ओके और बाकी कोई भाई दिक्कत नहीं आ रही है ज़्यादा कुछ भी, बाकी बाइक ओके है। बाकी इसके थोड़ा ये हॉर्न का है, उसको ज़्यादा ज़ोर से दबाए तभी साला बजता है, ऐसे ऐसे बजाते तब बजता नहीं है, अगर हम ज़ोर से प्रेस करें तब बजता है। बाकी यही था आज की वीडियो में जो मैंने मॉडिफिकेशन की, मैंने आपको बताया एक तो मैंने ये स्टिकरिंग की है लाइक दिस। यहाँ का थोड़ा स्क्रैच लग गया था तो मैंने ये एक्स्ट्रा फोल हुआ ये लगा दिया स्टिकर। बाकी जो इधर फ्रेम गार्ड होता है मैं उसको भी इंस्टॉल करूँगा, उसकी भी इंस्टॉलेशन वीडियो में आपको जल्द अपलोड करूँगा चैनल पे। एंड आप सोच रहे हो ना कि आगे
कवर लगाया, पीछे व्हील कवर क्यों नहीं लगाया? तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर ये जो है ना, इससे ये टच हो रहा था, इससे टच हो रहा था, मतलब अपने सेफ्टी के लिए ख़तरनाक था। रनिंग बाइक में अगर ये टकरा के टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो एक्सीडेंट होने का खतरा था। इसलिए मैंने इसको निकालना ही ओके समझा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप जैसे मर्जी इंस्टॉल करो, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं आपको भी अवॉइड करना चाहता हूँ। तो खाली स्पेस है उस टायर में, ये ठीक लगता है। जैसे फ्रंट टायर में ज़्यादा स्पेस लगता है, तो आपकी बाइक को लिखते हैं। बाकी मैं पिछले टायर में इसको लगाना बिल कवर ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये अगर आपने लगाना चाहते हो तो इनको आपको ये वाले ये खोलना पड़ेंगे, तब ये टच नहीं होगा, उससे आपकी सेफ्टी भी रहेगी, सेफ्टी फर्स्ट होती है। बाकी भाई इसके स्टिकर्स थोड़ी लुकिंग है, तो कर रही है जैसा दिख रहा है, टैंक भी लगाए मेरे ऊपर। ज़्यादा नहीं लगा सकते, ऐसे बाइक थोड़ी अटपटी सी लगती है। बाकी ब्रो ये रहा अपना इंस्टाग्राम आईडी, इसको आप फॉलो करो। लास्ट में भाई जो इस बाइक को लेना चाहते हैं वो अच्छे सोच समझ कर लो, अपने आइडियोज को फैमिली के लिए चाहिए हो, ये फैमिली के लिए नहीं है। जो बंदे स्टूडेंट वगैरह है या डेली कम्यूटर्स, वो बंदे ले सकते हैं इसके लिए। बाकी ब्रो ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, फाइबर का ब्रेकिंग कैलिपर है इसमें यूज़, देख सकते हो। हालांकि आप ट्रेंडिंग नहीं है, बट ये फाइबर का ब्रेकिंग जबरदस्त है, ABS वर्क प्रॉपर करता है। पीछे ड्रम वाली ब्रेक का वाइप भी मस्त है। बाकी ब्रो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मोटिवेशन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, बाय। नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के लिए वो बहुत ही जल्द अपलोड करें। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब।